हिंदुस्तानी भाव और हिंदुस्तानी भाव के फैंस को मेरे तरफ से दिल से सॉरी। वैसे यार मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें फैंस को या फिर क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे को या फिर 28 साल के बेरोजगार को। हाँ तो बच्चों मुझे माफ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने तुम्हारे गद्दारों से, चाइना से, पाकिस्तानियों से, अकेले लड़ने वाले भाव जो कि गाड़ी से बाहर निकलता ही नहीं, उसके सामने लॉजिकल पॉइंट्स रख दिए और उन लॉजिकल पॉइंट्स के रिप्लाई में तुमने मुझे माँ और बहन की जबरदस्त गालियां दी। देखो यार मुझे गालियों से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यार बुरा लगता है कि भाव के तरह भाव के फैंस को भी टीएमकेसी के अलावा कोई दूसरी गाली आती ही नहीं। यार मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ी सी यार क्रिएटिविटी दिखाओ ताकि मैं जाके आगे अपने वीडियोस पे उन गालियों को यूज कर सकूं, लेकिन नहीं यार, वही घिसी पिटी डायलॉग। यार तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, यार कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाओ, थोड़ा तो शर्म करो। और ये वीडियो मैं भाव के लिए नहीं, भाव के फैंस के लिए बना रहा हूँ, तो आओ यार लॉजिक के साथ इनकी लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आया 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 गद्दारों की गांड फाड़ने फिर से हिंदुस्तानी भाव आया। भाव यार एक बात बताओ, आपकी गाड़ी गाड़ी है या रंडी खाना है? कब से गाड़ी के अंदर बैठ के ही मारे जा रहा हूँ यार, गाड़ी से तो बाहर निकलो। भाव के क्लास 8 के सपोर्टर्स इसलिए भाव को सपोर्ट करने आ गए क्योंकि यार भाव डोनेशन देता है, भाव गरीबों की मदद करता है, भाव जरूरतमंदों की मदद करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डोनेशन तो सलमान खान भी देता है, उसे भी बाप बना लो। डोनेशन तो कैरी मिनाटी भी देता है, उसे भी बाप बना लो। लेकिन नहीं यार, सलमान और कैरी को ट्रोल करते वक्त हम सबसे आगे आएंगे, लेकिन भाव के वक्त हम डोनेशन दिखाएंगे। भाव गद्दारों का मुंह तोड़ जवाब देता है वीडियो में आके माँ की चूत बोलकर। एक पल के लिए पाकिस्तानों को ये चीजें समझ में आ भी जाए, लेकिन मुझे ये बताओ कि चाइना के लोग हिंदी कब से समझने लगे। और भाव के फैंस को तुम टॉक्सिक नहीं कह सकते, उनको मूर्ख कहना ठीक है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भाव 1947 से पहले पैदा हुआ होता तो भाव के फैंस ये कहते कि भाव ने अंग्रेजों को अंग्रेज तुम्हारी माँ की चूत बोलकर ही भगा दिया था। भाव के फैंस के हिसाब से चले तो हमारी देश की आर्मी भी भाव से मोटिवेशन लेती है। अगर भाव ना होता तो हमारे देश पे चाइना का कब्जा हो रहा होता और करेंटली हम चिंग चौंग कर रहे होते। और यार मुझे नहीं पता कि भाव के क्लास 8 में या फिर 25 साल के बेरोजगार फैंस ये क्यों कहते हैं कि भाव देश रक्षा कर रहे। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे बड़े भाई लोग, यार गाड़ी के अंदर बैठ के देश की रक्षा नहीं की जाती। यार सिंपल सी बात है, भाव एक मीम मटेरियल है, उसे मीम्स तक ही रखो, उसे इन्फ्लुएंसर मत बनाओ। और ये बात कब समझोगे कि गाड़ी के अंदर बैठ के गालियां देने से देश की रक्षा नहीं की जाती? अगर गाड़ी के अंदर बैठ के गालियां देने से देश की रक्षा होती तो गवर्नमेंट आर्मी पे इतना इन्वेस्ट क्यों करती और उन्हें इतना एडवांस हथियारें क्यों देने की कोशिश करती या फिर देती? वो सीधा जाके बॉर्डर्स पे जवानों को खड़ा कर देती और जवान चिल्लाने लगते, पाकिस्तान का मां का भोसड़ा, चाइना का मां का भोसड़ा, ठहाए ठहाए, और सारे दुश्मन देश खत्म। आई एक्सेप्ट कि भाव ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, भाव ने बहुत सारे डोनेशन दिया है और भाव ने बहुत सारे लोगों की मदद की है। एग्जाम्पल के रूप में एकता वाली केसी ले लो। लेकिन अभी जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो इजिएस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि यार क्लास 8 में पढ़ने वाले और 25-30 साल के बेरोजगारों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सोचो दो लोग मरने वाले थे और मैंने दोनों की जान बचाई और कुछ दिन बाद मैंने किसी तीसरे इंसान को फालतू में गोली मार दिया बिना किसी रीजन का, तो क्या मैंने जो दो लोगों की जान बचाई उसके कारण मैंने जो अभी गुनाह किया है वो मेरी माफ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब है कि भाव ने बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भाव को आजादी मिल जाती है शुभम जैसे लोगों को आके सपोर्ट करने की। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम आके कहते हो कि भाई तेरे को गालियों से क्या प्रॉब्लम है, अरे भोसड़ी वाला मैं खुद गाली देता हूँ। लेकिन अगर गाली देने से सलूशन निकलता है तो यार भाव को बोलो, भाव प्लीज यार इकोनॉमी को, कोरोना को, जीडीपी को और अनएम्प्लॉयमेंट को गाली दे दे, शायद बात बन जाए। लेकिन भाव यार गाड़ी से तो बाहर निकल, गाड़ी में बैठ के रेपिस्ट को सजा नहीं मिलने वाली, गाड़ी में बैठ के एनिमल क्रुएल्टी खत्म नहीं होने वाली। और बात करूं गद्दारों की तो भाव तू गाड़ी से बाहर निकल या फिर गाड़ी के अंदर बैठ के ही बुड्ढा हो जा, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला क्योंकि गद्दारों का सर्वनाश उनको खत्म करने के लिए हमारे वीर जवान लोग हैं। तुम्हें बता दूं कि दो चीजें हैं जो तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, मुझे सब्सक्राइबर्स की भीख मांगते हुए और भाव को गाड़ी से बाहर निकलते हुए। भाव प्लीज यार निकल जा गाड़ी से बाहर। और भाव के फैंस का एक और चीज ये कहना है कि भाव ने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं कराया, इसका ये मतलब है कि भाव को पैसों से इतना लगाव नहीं है। तो प्यारे बच्चों भाव का चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि मोनेटाइज होने से पहले भाव का चैनल अंडर रिव्यू में जाएगा और यूट्यूब उस चैनल को खुद चेकआउट करेगा, उसके बाद YouTube भाव को पैसे क्यों देगा, वो भी किसी की माँ बहन को गालियां देने के। यार मेरे पिछले वीडियो का ये पॉइंट था कि भाव को शुभम मिश्रा जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाव के फैंस आके मुझे कुछ और ही बताने लग गए, जैसे कि भाव पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को गाली देता है, भाव डोनेशन देता है, भाव देश की रक्षा करता है, कोई सेंस है इन सब बातों का? अगर तुम एग्जाम में 2+2=4 लिख कर आते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन में 2+1=10 लिख कर आते हो तो तुम एग्जामिनर को ये थोड़ी ना जाके कह सकते हो कि सर मैंने 2+2=4 लिखा है इसलिए 2+1=10 जो मैंने लिखा है वो भी सही है। और यार मैं ना लिख के देता हूँ, कल को अगर हमारे देश में कोरोना का वैक्सीन बन गया तो यार भाव के फैंस ये कहेंगे कि ये सब भी भाव नहीं बनाया है, फॉर्मूला होगा माँ का भोसड़ा प्लस माँ की चूत इजुगल टू कोरोना का वैक्सीन। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, भगवान भाव और भाव के फैंस को थोड़ी सी तो अकल दे दो। और यार मैं जानता हूँ कि ये वीडियो छोटा है और भाव के अगेंस्ट जाने से मैंने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स लूज किया है, लेकिन मुझे इसका फायदा लॉन्ग टर्म में होगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो लॉजिकल लगाओ तो इस वीडियो को शेयर कर देना और हाँ कमेंट करके तुम मुझे गालियां या फिर अप्रिशिएट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या फिर एक नए गुनहगार के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना।